दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रशिया और भारत के रिलेशन टाइम के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते चले गए। इस वक्त भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी रशिया की विजिट पर हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा था कि रूस के साथ कई मुद्दों को लेकर भारत की बातचीत हो सकती है और कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत और रूस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन कर ली है। दोस्तों, जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ रशिया के रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से तो रूस भारत का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच एक अच्छी स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। रशिया डिस्काउंटेड प्राइस पर हमें क्रूड ऑयल भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि हमारी मेन नीड है। हम 85% तक क्रूड ऑयल के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर करते हैं, जिसमें रशिया से अब हमें हेल्प मिल रही है। दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ही भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिनों के लिए रशिया की विजिट पर हैं। इस विजिट को लेकर अचानक से खबर सामने आई थी, तभी अंदाजा लगाया जा रहा था कि डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा खास होने वाली है। यह विजिट ऐसे टाइम में हुई जब इस साल इंडिया रशिया समिट कैंसिल हो गई थी। अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक रशिया और भारत ने तमिलनाडु में बनने वाले कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक इम्पॉर्टेंट डील साइन कर ली है। बता दें कि तमिलनाडु में बन रहे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट है, जिसमें रशिया हमें टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है। 2002 में ही ये बनना शुरू हो गया था और 2016 से ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली पावर यूनिट 1000 मेगावाट कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही है। वहीं रशियन स्टेट मीडिया के अकॉर्डिंग 2027 तक ये पावर प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट होगा। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनी से मीटिंग की। इस मीटिंग में जयशंकर ने न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए। इसके अलावा मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और मेडिकल डिवाइसेस को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। यहां तक कि जयशंकर ने डिफेंस न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्पेस के क्षेत्र में रूस को भारत का एक स्पेशल पार्टनर कहा। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच एक स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट हो रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें दोनों देशों की इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा। वहीं इन फ्यूचर दोनों देश कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट और भी साइन कर सकते हैं। बहरहाल, भारत और रूस की इस नज़दीकी को देखते हुए यूरोपीय देश और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं, क्योंकि ये देश लगातार कोशिश कर रहे थे भारत को रूस से अलग करने की, लेकिन इनकी सभी चाल अब विफल होती नज़र आ रही है। साथ ही दोस्तों, लंबे समय से भारत ये कोशिश कर रहा है कि ट्रेडिंग के लिए भारतीय रुपये को भी कंसीडर किया जाए, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारत को इसमें ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। जैसे जैसे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे इम्पोर्ट में कमी आई है। वहीं अब जबकि भारत का एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ रहा था, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भारत का रुपया भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडेबल बन पाएगा। हम कई देशों के साथ रुपए में लेन देन भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल को लेकर हम सोच रहे थे कि रुपये में लेन देन हो, जो कि नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अगर भारत क्रूड ऑयल के लिए रुपये में पेमेंट करता तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, मोस्टली सभी एक्सपोर्टर देशों ने भारतीय रुपए में लेन देन करने से मना कर दिया था। इसके पीछे का मेन रीज़न है भारतीय रुपए का स्टेबल न होना। अब इस बीच भारत ने यूएई के साथ एक बहुत बड़ी मेगा डील साइन की है। भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। दरअसल, भारत ने क्रूड ऑयल को लेकर यूएई के साथ रुपए में डील की है, यानी कि अब यूएई से हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे। इसके बदले में यूएई इंडियन रुपीज एक्सेप्ट करेगा। बताया जा रहा है कि इंडियन कंपनियां लोकल ने यूएई से 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल इंडियन करेंसी में खरीद भी लिया है। इसके पीछे का कारण है यूएई हमसे कई चीज़ें इंपोर्ट भी करता है, तो वो उसमें बिना किसी परेशानी के रुपए को इस्तेमाल कर लेगा। इससे यूएई को इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करने का झंझट नहीं रहेगा और वो रुपए को भारत से इम्पोर्ट करने के लिए यूज़ करेगा। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि बाकी के देश रुपए को एक्सेप्ट इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं भारत पर उनकी निर्भरता नहीं है। भारत को इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इससे रुपए में भी स्टेबिलिटी आएगी। वहीं वर्ल्ड वाइड रुपए को एक्सेप्टेंस मिल पाएगी, इसलिए भारत को इस ओर ध्यान देना चाहिए और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में भारत रुपए में ट्रेड कर पाएगा। धन्यवाद।